हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी द्रव्य तरंगों की। और मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको किस प्रकार हम लोग द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया था द्रव्य तरंगों का, जिसको कहते हैं द्रव्य तरंगों की परिकल्पना। उसने बताया कि जिस प्रकार अगर कोई तरंग गति करती है तो तरंग के साथ कण के गुण भी प्रदर्शित होते हैं, उस प्रकार और ठीक उसी प्रकार गतिशील कण के साथ, अगर कोई गतिशील कण है तो गतिशील कण के साथ वहां पे क्या होगी, एक तरंग भी होगी। ध्यान रखना, गतिशील कण के साथ किसके क्या बोलते हैं, प्रकृति प्रदर्शित होगी, तरंग के गुण भी उसमें क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। इस तरंग को हम लोग ने क्या नाम दिया, द्रव्य तरंग। क्या नाम दिया, द्रव्य तरंग। उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, और लैम्डा बराबर क्या, एच अपॉन टू एम ई। गतिजुलता की बात करें और लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी। तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने बात की थी। और मैंने बच्चों कल इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लैम्डा की बात की थी, क्या आया था, 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। हमें जो भी वोल्टेज दिया हो, हम लोग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे रहे, क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे फॉर्मूले थे। आज हम बात करेंगे बच्चों प्रोटोन की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रोटोन की डी ब्रोगली तरंग दे रहे, प्रोटोन की द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। आज हम बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन के लिए। किसके लिए बच्चों, प्रोटॉन के लिए। बच्चों इसमें हमें नॉलेज क्या होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन का आवेश क्या है, सब पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम की जगह प्रोटॉन का एम, क्यू की जगह प्रोटॉन, और साथ में वी वोल्टेज, और एम प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और क्यू प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम रख दिया मैंने, कूलाम आवेश का मात्र के। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान 6.62 × 10⁻¹⁴ बट्टा अंडर रूट 2 इंटू एम पी, कितना है 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू क्यू पी 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है इंटू वी। ये बच्चों हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारा आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना इसको सॉल्व करने पर, और आंसर क्या मिलता है बच्चों, देख लो बच्चों, लैम्डा बराबर 0.2863 × 10⁻¹⁰ बटा अंडर रूट वी मीटर, या इसको लिखते हैं 0.2863 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻¹⁰ मीटर होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0.2863 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये किसकी है बच्चों, प्रोटॉन की है। किसकी है, प्रोटॉन की। और इलेक्ट्रॉन की आपको बता चुका हूँ बच्चों, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं अल्फा कण के बारे में। किसके बारे में बच्चों, अल्फा कण के बारे में हम लोग बात करते हैं। अल्फा कण की कितनी होती है उसको समझते हैं बच्चों।
हम लोगों ने दो निकाल दी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम और प्रोटॉन की बच्चों मैंने बताई 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं बच्चों अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण वास्तव में क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वास्तव में होता है हीलियम का नाभिक। क्या होता है? हीलियम का नाभिक, या इसको बोलते हैं 2He4। खाली नाभिक नाभिक लिया है, नाभिक में कितने प्रोटॉन, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 4Mp प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, एमपी 1.67 × 10⁻²⁷ लगभग समान होता है, पर अंतर न के बराबर होता है, और एम न्यूट्रॉन ये भी लगभग 1.67 × 10⁻²⁷ होता है। ध्यान रखना द्रव्यमान क्या आ गया बच्चों, दोनों का समान आ गया, तो एमपी एम अल्फा इक्वल्स टू 4Mp और दो प्रोटॉन है तो क्यू अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा 2 Q। इसको अगर रख के देखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mα Q α × V। ये हो गया, इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों तो क्या जाएगा, लैम्डा अल्फा बराबर 6.62 × 10⁻³⁴ बटा अंडर रूट, ये एम अल्फा 4Mp के बराबर 2 × 4 × Mp 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू क्यू 2p के बराबर है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ और इंटू कितना आ जाएगा V। वही बच्चों सेम मान रखे बच्चों, ये मान रख के हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने में बच्चों आंसर आता है 0.1012। क्या आता है बच्चों, लैम्डा अल्फा बराबर 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻¹⁰ मीटर, या लैम्डा अल्फा बराबर 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों तीसरा है, कितना आ गया 0.1012 × 10⁻¹⁰ मीटर बटा अंडर रूट वी, या 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो तीसरा आंसर अपना बच्चों क्या है, 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसका आ गया बच्चों, तीसरा पार्टिकल अल्फा कण के बारे में, किसके बारे में, अल्फा कण के बारे में आ गया बच्चों। नोट कर लो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरॉन के बारे में, किसके बारे में, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरॉन, एक होता है आपने सुना होगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो हम बात करेंगे ड्यूटेरॉन के बारे में। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अगला लेते हैं बच्चों चौथा, ड्यूटेरॉन के बारे में, ड्यूट्रॉन के बारे में एक ही बात है। ये होता है ड्यूटेरियम का नाभिक, किसका नाभिक, ड्यूटेरियम का नाभिक। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है बच्चों, और होता क्या है 1H2, क्या होता है 1H2। इसमें बच्चों प्रोटॉन कितने हो गए बच्चों 1, न्यूट्रॉन कितना हो गया 1, तो इसका द्रव्यमान तो बच्चों क्या हो गया एम ड्यूटेरॉन, द्रव्यमान हो गया 2Mg, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसका आवेश कितना हो गया, आवेश हो गया
एम पी के क्या हो गया, क्यू पी के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हो गया 2 × 1.6 × 10⁻¹⁰ 1.67 × 10⁻²⁷ - 27 किलोग्राम, और ये हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब निकालो लैम्डा डी बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम डी क्यू डी इंटू क्या आ गया, बी। ये आ गया, सारे मान रखेंगे, यहाँ रख देते हैं लैम्डा डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6.62 × 10⁻³⁴ बटा अंडर रूट 2 इंटू एम डी 2 × 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू क्या आ जाएगा अभी। तो ये बच्चों ये अपना है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, अगर मैं ड्यूटेरियम का निकालूंगा तो अपना आंसर आएगा 202। क्या आंसर आएगा बच्चों, 202, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.202 अंडर रूट में वी क्या आ गया, एंगस्ट्रॉम। मीटर में लिखोगे साइड में क्या लगा दोगे, 10⁻¹⁰। तो लैम्डा ड्यूटेरॉन, लैम्डा ड्यूटेरॉन क्या आ जाएगा 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये हम लोगों ने बात की, अब एक दो पार्टिकल की और बात करेंगे, पहले ही हम बात कर रहे हैं 4 पार्टिकल। ये आपको बच्चों रिजल्ट याद रख लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको ब्रैकेट्स वगैरह बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। बच्चों प्रोटॉन के लिए कितना है 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा कण के लिए 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और ड्यूटेरियम के लिए 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। बच्चों अब कुछ नई बात करते हैं, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, किसके बारे में, तापीय न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसा कण है बच्चों, आवेशित कण नहीं। न्यूट्रॉन ध्यान रखना कैसा कण बच्चों, आवेशित कण नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम समझेंगे। अगर हमें कोई बोले न्यूट्रॉन की निकालनी है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको समझते हैं बच्चों, उसको हम आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन को, ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे, तापीय न्यूट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, तापीय न्यूट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं, अलग तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बात करें तापीय न्यूट्रॉन, किसकी बात करें, तापीय न्यूट्रॉन की। तो आपको पता होना चाहिए यदि न्यूट्रॉन का ताप क्या लिया बच्चों, न्यूट्रॉन का ताप क्या होती है, कितना होती हो। तो ध्यान रखना इस केस में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ध्यान रखना KT के रूप में दी जाती है, किसके रूप में दी जाती है, KT के रूप में दी जाती है, जहां पर K क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगी, अतः ऊर्जा E बराबर KT, के यहां पर क्या है, के है बोल्ट्जमैन नियतांक, मान फिक्स होता है इसका बच्चों 1.38 × 10⁻³⁰ मात्रक जूल अपॉन में क्या आ गया, केल्विन, जूल पर केल्विन, यहां से निकाल सकते हैं मात्रक, तो के बराबर ई अपॉन टी से जूल पर केल्विन, ध्यान रखना। अब ये चीज रखोगे तो लैम्डा न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2ME की जगह क्या कर लेंगे, एच अपॉन अंडर रूट 2ME2ME2T। अब सारा सॉल्व कर सकते हैं, एच का मान पता है बच्चों, अब लैम्डा न्यूट्रॉन एच का मान 6.62 × 10⁻¹⁴ अंडर रूट 2ME न्यूट्रॉन लगभग 1.67 ME न्यूट्रॉन × 10⁻²⁷
इंटू के, के का मान बच्चों मैंने अभी आपको बताया कितना है, 1.38 इंटू 10 की घात माइनस 23 इंटू क्या आ जाएगा टी, जो हमको केल्विन में किस में, यहाँ पे ताप जो होगा ना वो किस में लेंगे बच्चों, केल्विन में, किस में लेंगे बच्चों, केल्विन में। ये बच्चों अपने आंसर आ जाएगा। इसको रख के हमें लैम्डा एन की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लैम्डा एन बराबर, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चों तो लैम्डा एन की वैल्यू आएगी 30.835, क्या आ जाएगी बच्चों 30.835 अपॉन अंडर रूट टी इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, या लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर 30.835 बटा अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। हमको टी क्या होगा, ताप होगा जो हमको गिवन होगा, और हम लोग ये निकाल सकते हैं बच्चों, क्या आ गई 30.835 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है, इसलिए वो वाला सूत्र यहाँ पर काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, वो वाला सूत्र काम नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे बच्चों, नोट कर लो इसको बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिख लो लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर 30.835 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया 30.835 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक और चीज छोटी सी नोट करते हैं, फिर एक सवाल कराऊंगा, वो छोटी सी चीज है। अगर कोई तापीय अणु दिया हो, गैस का अणु, अगर हम किसी गैस के अणु की बात करें, गैस के अणु से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, कौन सा अणु बच्चों, गैस का अणु, तो निकाल सकते हैं बच्चों। इस केस में ध्यान रखना, किसी भी गैस के अणु की जो ऊर्जा होगी, किसी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT, के यहां वापस क्या है, बोल्ट्ज़मैन नियतांक बराबर 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर सेकंड। यहाँ से अगर मैं ऊर्जा निकालूंगा, तो क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 3m इंटू के इंटू टी। अब यहाँ पे m भी हमको गिवन होगा और t भी हमको, m क्या है उस गैस के कण का द्रव्यमान और t भी गिवन होगा, तो इस फॉर्मूले से गैस के कण की क्या आती है बच्चों, गतिज ऊर्जा आती है। तो बच्चों ये सारी पॉइंट हम लोगों ने बात की है, ये हम लैम्डा किसी गैस की बात कर रहे हैं, किसी भी गैस के कण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखना। प्रोटॉन की बात की 12.27 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन की बात की है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, अल्फा कण की 0.1012 अपॉन वी अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, न्यूट्रॉन की 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा न्यूट्रॉन की 30.835 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये नोट कर लो, फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल कराता हूँ बच्चों, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस
समान विभवांतर से त्वरित। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन, अल्फा कण व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंग है, एक ही बात है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंग दैर्ध्य ये का अनुपात ज्ञात करो। किसकी बात कर रहे बच्चों? सबसे पहले प्रोटॉन सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट करना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। इस सवाल से सारे कंसेप्ट, बाकी सवाल तो हम सिंपल मान वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में, फिर हम बात करेंगे अल्फा कण के बारे में, और फिर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात आ जाएगा लास्ट में। प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m इक्वल्स टू एम पी और q इक्वल्स टू क्यू पी। अल्फा कण m अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4mp q अल्फा इक्वल्स टू 2qp। और न्यूट्रॉन का md इक्वल्स टू 2mp, आपको बता चुका हूं सॉल्व किया, qd इक्वल्स टू qp। अब आपको निकालना है अनुपात, निकालना है क्या निकालना है? अनुपात। तो लैम्डा प्रोटॉन अनुपात, लैम्डा अब यहाँ पे पहले निकालते हैं, लैम्डा प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट टू एम पी इंटू क्यू पी इंटू वी। विभवांतर कितना ले लिया बच्चों? वी। कितना ले लिया? वी वोल्ट। समान लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू एम की जगह 4mp इंटू 2qp इंटू क्या आ गया? और लैम्डा ड्यूटेरॉन क्या हो जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू 2mp इंटू qp इंटू क्या आ जाएगा? v। मुझे क्या निकालना है बच्चों? तीनों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे वही हम बात करेंगे बच्चों। तो अब मैं अनुपात निकालता हूँ बच्चों, यहाँ से लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा अनुपात लैम्डा डी, यहाँ रख लो बच्चों। एच अपॉन अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट टू एम पी क्यू पी इंटू वी कैपिटल वी। एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू फोर एम पी इंटू टू क्यू पी इंटू क्या आ जाएगा? वी। एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू टू एम पी इंटू क्यू पी इंटू वी। H से H कैंसिल, V से V कैंसिल, MP QP से सारे के सारे क्या हो गए बच्चों? कैंसिल हो गए बच्चों। क्या हो गए? कैंसिल। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो गया? लैम्डा प्रोटॉन अनुपात लैम्डा अल्फा अनुपात लैम्डा ड्यूटेरॉन। यहाँ क्या रह गया बच्चों? वन अपॉन अंडर रूट क्या रह गया? टू अनुपात वन अपॉन क्या रह गया? टू इंटू फोर इंटू टू। और यहाँ कितना रह गया बच्चों? टू इंटू टू, एक रूट तो सब में से कैंसिल हो गया, रूट टू रूट टू रूट टू। यहाँ क्या रह गया? वन
इधर थोड़ा वन, अब यहाँ क्या रह गया वन अपॉन ए, वन अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये रह गया बच्चों। इस एट को हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, वन वन अपॉन टू रूट टू, वन अपॉन रूट लसब क्या आ गया बच्चों टू रूट टू, पूरे को टू रूट टू से, तो टू रूट टू अनुपात वन अनुपात टू, ये अपना अनुपात है, ध्यान रखना, ये है लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा अल्फा और लैम्डा ड्यूटर, ये अनुपात पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, टू रूट टू से क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से अपना सवाल सॉल्व हो गया। तो अनुपात क्या आ गया, टू रूट टू अनुपात वन अनुपात डी। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं लैम्डा अल्फा और डी का अनुपात एक अनुपात दो, तीनों का अनुपात टू रूट टू वन टू। अब जो आगे होगा प्रोटॉन का है अब टू रूट टू, अल्फा के लिए वन और डी के लिए टू, ध्यान रखना ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का सवाल है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको। अच्छे से बच्चों इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो है डेविसन जर्मर प्रयोग, वो हम करेंगे एक लेक्चर के अंदर, एक लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का बच्चों, ध्यान रखना, फिर हम आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो एक लेक्चर में आप लोगों के चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखना 100% यहाँ से आपको एक सवाल पूछेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच बच्चों।